राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृतिक संकल्पित है और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आपको चलते फिरते ही राजधानी रांची में कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएगी जिन्हें आप भी भौचक्के रह जाएंगे। कुछ ऐसा ही नजारा को दिखाया है संवाददाता आकाश भार्गव ने। मध्य विद्यालय हैं, लेकिन इन मध्य विद्यालयों से पढ़ाई पूरी कर जो बच्चे बाहर निकलते हैं उन्हें भी बेहतर तरीके से शिक्षा मिल सके, उन्हें परेशान न होना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ने, शिक्षा विभाग ने अलग से व्यवस्था कर रखी है। कई जगहों पर ऐसे विद्यालय सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं जहाँ ऐसे सरकारी मध्य विद्यालयों के पास आउट बच्चों का दाखिला लिया जाता है। ये बरियातू स्थित ऐसा ही एक केंद्र है और यहाँ आप तस्वीरों में पहले देखिए कि बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बच्चों की परीक्षा चल रही है, ये बच्चे यहाँ परीक्षा दे रहे हैं। किस सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जा रहा है? इंग्लिश, इंग्लिश का। इंग्लिश का किस क्लास से आप हो? 10 क्लास। 10 क्लास। यस सर। पढ़ाई अच्छे तरीके से हो रही है? यस सर। आप किस क्लास से हो? 10। दोनों 10? यस। नहीं, यहाँ बीच में नहीं है, दोनों बच्चे 10 के ही हैं और दोनों यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इतना पास पास बैठे हैं, ऐसे में चीटिंग की तो काफी संभावनाएं रह जाती हैं, चीटिंग तो कर ही सकते हैं। क्या आप सभी पर एक साथ दो आंखों से निगाह बनाए रख सकती हैं? सर, तो यहाँ तीन टीचर है ना, तो तीनों देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तो ढेर सारे क्लासरूम है जो खाली पड़े हैं, अलग अलग जगह पर बिठाकर इनसे परीक्षा ली जा सकती थी? हाँ सर, ली जा सकती थी जी। मैडम इंचार्ज हैं ऑडिल मैडम जी, ये बताइए कि जब यहाँ इतने सारी कक्षाएं हैं इसके बावजूद बच्चों को इस तरह से बिठा करके जो एग्जाम लिया जा रहा है इसके पीछे क्या वजह है? वो मतलब कि ये लंबा बेंच है, 6 बच्चे बैठ सकते हैं इसमें, ये प्रावधान है कि ये लंबे बेंच में 2 बच्चे बैठ सकते हैं आसानी से। जब आपके पास कक्षाएं हैं, वहाँ आपके पास टेबल हैं, बेंचेस हैं, तो उनका उपयोग न करके इन्हें इस तरह से पास पास बिठा कर एग्जाम लेने का क्या मतलब है? नहीं, मतलब जैसे मतलब सुविधा के अनुसार यहाँ पर हम लोग का 1, 2, 3, 4 क्लास मतलब रेगुलर चलता रहता है ना, और बाकी क्लास है वहाँ तक क्लास चल रहा है, सारे में हम लोग बैठा दिए हैं बच्चों को और उस क्लास सब पूरा खाली रहता है। वो ये जो कुछ कक्षाएं नजर आ रही हैं जिनमें ताले जड़े पड़े हैं और काफी जर्जर स्थिति नजर आ रही है, आखिर ये स्थिति क्यों यहाँ देखने को मिल रही है? ये यहाँ ताले क्यों बंद पड़े हैं? भवन क्यों क्षतिग्रस्त हो रहा है? क्यों ऐसी स्थिति क्यों है मैडम, बताइए। ये अभी तो मैं तुरंत मतलब 1 महीना 1.5 महीना से मैं प्रभारी में हूँ, मेरे पहले जितने लोग थे सब मतलब यहाँ से प्रमोशन लेकर के चले गए हैं, है ना, उसी के बाद में मैं यहाँ प्रभार में हूँ। तो जिस तरह से मुझे मिला है तो क्लास जहाँ तक चलता था, मैंने 8, 9 और 10 ना, 3 क्लास चलता है, तो 3 क्लास को हम लोग ऐसे खुला करके रखे हुए हैं और एग्जाम के टाइम में फिर एक्स्ट्रा 2 क्लास और खोल के रखे हुए हैं और उसी के अनुसार मतलब अभी तो कक्षाएं बंद नजर आ रही हैं। हाँ, अभी बंद ही है। इतना ही नहीं, यहाँ क्लासरूम को देखा जा सकता है कि हमें दिन के उजाले में भी अपनी बत्ती जलानी पड़ी है, तब जाकर के भी यहाँ रोशनी पर्याप्त नहीं है, काफी परेशानी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये बच्चे क्या पढ़ेंगे, इनकी तो आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभी लाइट अभी तुरंत ही गई है इसलिए ऐसा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, ऐसे लाइट की फैसिलिटी यहाँ पे फैन वैन सब अवेलेबल है, देखिए आप जी, वो सारी सुविधाएं हैं, इसके बावजूद लाइट चली जाती है, गुल हो जाती है बिजली, तब कैसे पढ़ाई होती है? फिलहाल के लिए तो अभी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल जब रहती है तभी। इस वक्त हमारे यहाँ में मतलब 3 प्रतिनियोजित शिक्षक हैं, 3 नवनियुक्त शिक्षक हैं, फिलहाल 6 शिक्षक लोग यहाँ पर ये है। यहाँ शिक्षकों की संख्या भी पर्याप्त है, कक्षाओं की संख्या भी पर्याप्त है, टेबल हैं, बेंचेज हैं, इसके बावजूद जो अव्यवस्था का आलम है उसे देखा जा सकता है। और जब राजधानी रांची के बीचों बीच ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है तो सुदूरवर्ती इलाकों में क्या कुछ चल रहा होगा इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ आकाश भार्गव, न्यूज 11 रांची। राज्य में बहुत सारे